बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मार्केटिंग और मसाइल से आपका मेज़बान रफ़ीक अंसारी हाजिर है। प्राइवेट स्कूल की बात की जाए या गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूलों की बात की जाए तो निज़ाम तालीम एक की सूरत हाल तो इस वक्त अबतर नज़र आ रही है। गुज़िश्ता रोज़ मैट्रिक के पर्चे हुए और तकरीबन 2 घंटे लेट, तलबा व तालिबात को कितना नुकसान हुआ, इसका जिम्मेदार कौन, सूबाई वज़ीर तालीम या प्राइवेट स्कूल या मैट्रिक बोर्ड? मगर कहा जाता है कि मैट्रिक बोर्ड की ये नाहली है कि पर्चा 2 घंटे ले और फिर पर्चा आउट भी हो गया। इसी हवाले से भी बातचीत की जाएगी और बल्कि ये भी कहा जाएगा कि कोरोना वायरस के बाद छोटे बड़े तजारती मराकज को काफ़ी नुकसान पहुँचा और ताजिर को जो बजट दिया गया कि 2011 यानी कि 2021 और 22-11 जून को जो बजट आया उसमें छोटे बड़े ताजिरों को ही रिलीफ फराम नहीं किया गया, इसी हवाले से भी बातचीत की जाएगी। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मोहम्मद हनीफ जदून साहब, जनरल सेक्रेटरी अलायंस ऑफ प्राइवेट स्कूल सिंध, और इनके साथ साहब अस्सलाम वालेकुम। हमारे साथ दूसरे जो मेहमान हैं और इनका ताल्लुक सिंध ताजिर इतिहाद के सबक जनरल सेक्रेटरी हैं और मखसूद कुरैशी साहब, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम का आगाज़ हम करेंगे तालीम के हवाले से, और क्योंकि तालीम जिसके पास है वो इल्म का खजीना दिल में लेके घूम रहा है, और जितने पर तालीम नहीं है वो बेचारा मायूस के दलदल में होता है। मगर हर माँ बाप की ये ख्वाहिश होती है कि बच्चों को तालीम दी जाए ताकि वो आला तालीम हासिल करके आप मुल्क का नाम रोशन करें। मगर हमारी तालीम की बात की जाए तो कोरोना वायरस आया, ऑनलाइन तालीम का निज़ाम बनाया गया, और ऑनलाइन तालीम से कितना फ़ायदा बच्चों को हुआ, इसी हवाले से हम बात करेंगे। अली साहब, ये बताइएगा कि निज़ाम तालीम जी जी बेहतरी के लिए वफाकी और सिंध हुकूमत को क्या इकदाम करना चाहिए, फिर हम आगे और भी मजीद बातें कर लेंगे। देखिए जी, इस वक्त जो इकदाम करने चाहिए बुनियादी तौर पर तालीम व सेहत जो है वो हुकूमत की जिम्मेदारी हुआ करता है, लेकिन अफसोस के साथ ये बात कहनी पड़ती है कि हमारे इस मुल्क खुदादाद पाकिस्तान के अंदर वो वफाकी हुकूमत हो या सूबाई हुकूमत हो, दोनों ने इन दोनों शोबों को यकसर मुस्तरद कर दिया है, और इसी सिलसिले में फिर प्राइवेट सेक्टर ने इन दोनों शोबों को संभालने की कोशिश की है। इस वक्त प्राइवेट सेक्टर जो है वो हुकूमत के शाना बशाना कोशिश कर रहा है कि जितनी तालीम को प्रमोट किया जाए उतना हुकूमत कम अज़ कम हमें सपोर्ट करे, लेकिन किसी भी बजट को देख लें आज से पहले और ये मौजूदा बजट को भी देख लें, इसमें क्या फ़ंड रखे गए, और अगर कोई थोड़े बहुत मामूली से फ़ंड रखे भी गए हैं तो वो गवर्नमेंट स्कूलों के लिए, गवर्नमेंट के अलग तल्लों के लिए रखे गए हैं, हमारी प्राइवेट तंजीमों के लिए या प्राइवेट स्कूलों के लिए कोई उसके अंदर फ़ंड इनके पास मौजूद नहीं है। मुझे अफसोस के साथ ये बात कहनी पड़ती है कि COVID-19 के बाद जैसे ही स्कूल खुले तो दूसरे ममालिक ने, यूरोपीय ममालिक ने सोचा कि हमारे बच्चे को इस अरसे में बहुत बड़ी तकलीफ़ हुई और तालीम का बड़ा खसारा हुआ, और हमारे यहाँ दोबारा सोचा गया कि दोबारा कैसे स्कूल बंद किए जाएँ और दोबारा कोविड लगा कर। आप गवर्नमेंट पर तनकीद कर रहे हैं, ठीक है, गवर्नमेंट पर तनकीद आपका जायज़ बनता है, 18 माह के दौरान प्राइवेट स्कूल बंद रहे और बच्चों के माँ बाप आज से इल्तिजा करते रहे कि फीस में कमी की जाए, फीस माफ़ की जाए, मगर प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन जो है या प्राइवेट स्कूल वालों ने उन बच्चों पर रहम नहीं किया और फीस बराबर ली है, तो आप भी तो थोड़ा सा जिम्मेदार हैं। सर, ये बात बिल्कुल गलत है। देखिए, हर तालाब में हर तरह की मछलियाँ हुआ करती हैं, उसमें ख़राब मछली भी होती है, अच्छी भी होती है, किसी एक की वजह से पूरे उस सिनेरियो को ख़राब कह देना ये अक्सर नाइंसाफ़ी की बात है, और जितनी जिसके साथ जितनी, एक तो पहले ही हम 20% जो है हुकूमत ने हम पर लागू कर दिया था, हमने 20% लोगों को रिलैक्स दिया, उसके बावजूद जो लेस प्रिविलेज एरियाज है और जहाँ बच्चों के वालदैन भी बुरी तरह मुतासर हो गए थे, उनको भी अपने रोज़गार के मसाइल थे, तो हमने उनको जितना मुमकिन 3-3, 4-4, 5-5 महीनों की, और अगर कोई उसको चेक करना चाहे हम गवर्नमेंट को चैलेंज करते हैं कि वो अपने लोगों को भेजें, और मैं बड़े बावसूख जराए से ये बात करता हूं कि हमारे रिकॉर्ड्स को चेक करें, उसमें बाद बच्चों की आपको 4-4, 5 महीनों की फीसें माफ़ मिलेंगी, और ये अक्सरियत में ऐसा किया, किसी एक आदमी अगर ऐसा किया कि उसने नहीं किया तो उसने हमारे साथ भी जुल्म किया, बच्चों के साथ भी जुल्म किया और गवर्नमेंट के साथ भी जुल्म किया, ऐसे लोगों को हम अक्सर मुस्तरद करते हैं, लेकिन एक आध 2-4 की वजह से हम सबको एक ही पंडाल में रंगेत देना ये गलत है। अक्सर हमारे साथ मखसूद कुरैशी साहब भी हैं। मखसूद साहब, ये बताइएगा कि 18 माह के दौरान ताजिरों को कितना नुकसान पहुंचा और आप लोगों ने किस तरीके से बर्दाश्त किया? सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने हमारा मौका पेश करने के लिए हमें यहाँ पर बुलाया। देखिए, बात यह है कि 18 माह के दौरान में जो कुछ पाकिस्तान के अंदर कोविड के हवाले से डिटेल है, 100% तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन मैं जिस शहर से ताल्लुक़ रखता हूँ उस शहर की मैं आपको
चंद हकाइक बता देता हूँ कि हमारे ऊपर जिस तरह से कोविड के बाद ताजिरों के मसाइल पर हमला किया गया वो नाकाबिले बर्दाश्त है। हम लोग वैसे ही कोविड से मारे हुए और अपने मुलाजमीन और अपने मामलात को देखते हुए बड़े मसाइल का शिकार थे, लेकिन हुआ ये कि बजाय हुकूमत वक्त ने हमारे साथ उन मसाइल को हल करने के लिए कदम बढ़ाया, उन्होंने हम पर मुश्किलात के पहाड़ उड़ तोड़ दिए। उसकी एक मिसाल, पिछले साल इन्होंने हमसे वादा किया कि हम आपको प्रोफेशनल टैक्स माफ़ कर देंगे। प्रोफेशनल टैक्स वो होता है जब ताजिर किसी कारोबार को कर रहा होता तो उसका वो टैक्स अदा करता है, जब हमने कारोबार नहीं किया तो उसका टैक्स किस बात का दें। फिर पिछले साल का टैक्स ना लेकर इस साल दोबारा से वो मुसलत कर दिया डबल, और पहले टैक्स लिया जाता था 1,000 रुपये तो वो 3,000 कर दिया गया। तो इस तरह की मुश्किलात तो एक हमारे साथ तमाम ताजरों के साथ रही, लेकिन उसके साथ साथ महंगाई का जो तूफान आया ना उसने हमारी कमर तोड़ के रख दी। तो ये मसाइल हैं हमारे साथ, और आगे आप जब बात करेंगे तो मैं आपको और भी बात बताऊँगा। अच्छा हनीफ साहब, ये बताइएगा कि मेयार तालीम की हम बात करते हैं, मुल्क में तालीम का एक जैसा निज़ाम क्यों नहीं है, जब कायद आज़म मोहम्मद अली जिना एक है, उनका सिक्का एक है, पासपोर्ट एक है, तो फिर मुल्क भर में तालीमी निज़ाम एक जैसा क्यों नहीं है? क्या वजह है कि प्राइवेट स्कूलों में लिबास जो है मुख्तलिफ है, जो बेचारे गवर्नमेंट स्कूल है जैसे कहते प्राइमरी स्कूल, पीला स्कूल, वहाँ का लिबास एक है, तो तालीमी निज़ाम एक जैसा क्यों नहीं है, उस पर आप लोगों ने आवाज़ क्यों नहीं उठाई? ये बुनियादी फैक्टर्स हैं, और ये मेरे और किसी फ़र्द के अकेले आवाज़ उठाने का काम नहीं है। ये हकूमत की ज़िम्मेदारी बनती है कि वो लाइन ऑफ एक्शन दे कि इस लाइन ऑफ एक्शन की तरह ये निज़ाम चलेगा, एक निसाब तालीम चलेगा, एक उनका यूनिफॉर्म चलेगा, एक तरीके कार के मुताबिक उनको पढ़ाया जाएगा। तो क्योंकि जितने लोग हैं उतनी भांत भांत की बोलियाँ, उसी हिसाब से यहाँ पब्लिशर्स भी हैं, उसी हिसाब से उन्होंने किताबें भी सेट की हुई हैं। जब तक इसको गवर्नमेंट लेवल पर कोई भी काम, अकेले मैं किसी काम को नहीं कर सकता, अकेले नहीं किया जा सकता, ना पॉसिबल है, हुकूमत उसका लाइन ऑफ एक्शन दे, उसको ऑर्डर्स करे, उसको बनाए और फिर उसके ऊपर स्ट्रिक्टली अमल करे, देन विल बी पॉसिबल। हनी साहब, किसी दौर में प्राइवेट स्कूल की तकरीबन जो आमद हुई है, या कहना चाहिए कि उनकी प्राइवेट स्कूल तकरीबन 20-25 साल या 30 साल पहले बने होंगे, मगर इससे पहले तालीमी निज़ाम तो एक जैसा था ना, एक ही लिबास था, लोग गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा करते थे, प्राइवेट स्कूल के आने के बाद तो लिबास में चेंजिंग हुई है? नहीं नहीं, मैं इसमें थोड़ी सी आपकी तस्दीक करूँगा। ठीक है, उस वक्त प्राइवेट स्कूलों की तादाद बहुत कम थी, अगर पिछले सिनेरियो में देखें और जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के दौर में देखें कि उन्होंने कई स्कूल जो है वो गवर्नमेंट की ताबील में लिए थे, तो उस वक्त भी बड़े बड़े स्कूल जो मौजूद थे और आज भी बड़े बड़े स्कूल मौजूद हैं। हमारी तो हुकूमत वक्त से, वफाकी हुकूमत वक्त से दरख्वास्त है कि अगर निसाब तालीम बनाना है और एक बनाना है तो फिर उन बड़े बड़ों पर भी हाथ डालना होगा, वो बीकन हाउस पर भी हाथ डालना होगा, सीटी पर भी हाथ डालना होगा, और तमाम जो जिस तरह के सिलेबस लेंगे उन सब पर हाथ डालना होगा, तब कामयाबी हो सकती है। अगर कहें कि सिर्फ जो लेस प्रिविलेज एरियाज और इस तरह के स्कूलों जहां आपका आसानी से हाथ पड़ जाता है उनसे हम काम करवा लें और आपका ए ओ लेवल और दूसरे सारे निज़ाम चलते रहें, तो इट विल बी नॉट पॉसिबल। ऐसा मुमकिन नहीं है कि एक ही घर के अंदर मुख्तलिफ निज़ाम को चलाएं। जितने प्राइवेट बड़े स्कूल हैं जो बड़ी माफिया कह दें उन पे भी हाथ डालना होगा। देखिए, माफिया का लफ्ज़ तो मैं नहीं कह सकते आप, तो कह सकते बड़े लोग जिनके सरमाएदार प्राइवेट स्कूल चला रहे हैं उन पे हाथ डालना गवर्नमेंट को बड़ा मुश्किल काम है, गवर्नमेंट का टफ जॉब है गवर्नमेंट के लिए, और ये गवर्नमेंट के लिए एक इम्तिहान है कि उन पर कैसे हाथ डाले और उनको भी एक ही निज़ाम के अंदर लाए, और निज़ाम भी ऐसा हो, निज़ाम तालीम ऐसा हो कि वो किसी का दिया हुआ निज़ाम ना हो। जो कि अभी आवाज़ें उठ रही हैं कि जो अभी एक निसाबी निज़ाम तालीम या मौजूदा गवर्नमेंट बना रही है उसके अंदर भी ऐसे असबाब पाए जाते हैं कि जिनके अंदर उम्मातुल मोमिनीन को खारिज कर दिया गया, उन आयात को खारिज कर दिया गया जो टकराती हैं, जो इन हमारे मेयार को, हमारे इस्लामी तशख्स को उभारती हैं। उर्दू के अंदर, सोशल स्टडी के अंदर ये कहकर असबाब निकाल दिए गए तो इस तरीके से भी निज़ाम नहीं चलेगा। उसमें मुल्क के मुफक्कर मुफस्सर इन सब को बिठाया जाए और बिठाकर उस निसाब को बनाया जाए जो निसाब सबके लिए यकसा। तो जो निसाब तरतीब दिया जा रहा है तो उसमें यकीन तौर पर वफाक भी होगा, और फिर सिंध हुकूमत में जो वज़ीर तालीम है तो उनको नहीं पता कि ये निसाब में चेंजिंग हो रही है, तो उनको आवाज़ बुलंद करनी चाहिए, इससे पहले कोई निसाब आए तो पहले ही रुकवा दिया जाए।
सर उनको सब पता है लेकिन डिक्टेट किया हुआ है। जब किसी काम को डिक्टेट करके करवाया जाएगा, और जैसे अभी ये हाल ही में एक बिल जो पेश किया गया जो हमारी पूरी माशरे से मुनासिबत नहीं रखता कि बेटा वालिद को घर से बाहर निकालने की पोजीशन में आ सकता है, बेटी वालिद निकालने की पोजीशन में आ सकती है, तो आखिर ये कहाँ से डिक्टेट हो रहा है? और वो जल्दबाजी के अंदर सारी असम्बलियों से उसको पास भी, कौमी असम्बली से भी पास करवा लिया गया और सेनेट से भी उसको पास करवा लिया गया, जिस मुल्क के अंदर, और ये आइन के बिल्कुल मुतकाजी है। आइन को देखा जाए तो आइन इस चीज बात की इजाजत नहीं देता कि इस्लामी तशख्स को छेड़ा जाए, और ये सिर्फ इस्लामी तशख्स को छेड़ा गया। इसी तरीके से ये जो निसाब बनाया जा रहा है, इस निसाब के अंदर भी इस्लामी तशख्स को बुरी तरह छेड़ा गया, लेकिन इनके आका और इनके इनके जो सरपरस्त हैं उनके मुताबिक इन्होंने उसको बनाने की कोशिश की। तो हम ऐसे निसाब को नहीं मानते, हम अक्सर इसको मुस्तरद करते हैं। अच्छा मकसूद साहब, जैसे कि जदून साहब बता रहे हैं महकमा तालीम में जिस तरीके से निसाब में चेंजिंग हो रही है, तो इसी तरीके से जब कोरोना वायरस आया और आप लोगों को नुकसान पहुंचा, इस हवाले से अब टाइमिंग का फ़र्क आया कि कहा गया पहले 8 बजे से 8 बजे तक और अब 10 बजे तक कर दिया गया है, तो क्या समझते हो कि एक बात सुनने में आ रहा है कि मार्केटों में फिर SOP से खिलाफवर्जी की जा रही है, कल ही असद उमर साहब का ये बयान है, तो इससे कोई आप लोगों को फिर एक वापस एक बार फिर कोई नुकसान पहुँचने का खर्चा नहीं है? देखिए बात यह है कि अब इस सब चीज़ों की जिम्मेदारी ताजिर नहीं ले सकता है, और ताजिर एसोसिएशन जो होती है ना, उनका काम ये होता है कि अपनी मार्केट के अंदर हदूद में रहते हुए उन पर इम्प्लीमेंट कराना। हम अपने दुकानदारों को इम्प्लीमेंट कराते रहे हैं और कराते रहेंगे, लेकिन हम जो आने वाला बायर होता है ना उसको हम इम्प्लीमेंट नहीं करवा सकते। हम अपनी मार्केटों के बाहर सैनिटाइज भी करवाते हैं, मास्क भी प्रोवाइड करते हैं जिस हद तक हम कर सकते हैं, लेकिन जब कस्टमर आने के बाद उसमें सोशल डिस्टेंस रखना वो हमारी ज़िम्मेदारी नहीं है, ये हुकूमत की ज़िम्मेदारी है कि उस पर लोगों को अवेयरनेस करें। हुकूमत की ज़िम्मेदारी तो ये कि मार्केट में एक बंदे ने मास्क लगाया वो तो आके सील कर देते हैं, हुकूमत की ज़िम्मेदारी तो ये? देखिए हुकूमत की तो आंखें बंद है, हुकूमत के नज़र में तो जो नूर नज़र उनके लोग होते हैं वो उनको रिपोर्टें दे रहे होते हैं, उस पर काम करते हैं। देखिए AC के रूम से बाहर निकलना पड़ेगा हम लोगों को, और प्रैक्टिकली देखना पड़ेगा कि हम आया क्या कर सकते हैं। हमें इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरत इस कौम के लिए अवेयरनेस की ज़रूरत है। हम लोग इनको अभी तक मोटिवेट नहीं कर पाए कि आया कोरोना वायरस है क्या, जब उनको इसके बारे में आगाही देंगे ना तब जाके हम किसी नतीजे में पहुँचेंगे। ये कहते हैं ना कि मार्केट में SOP पे अमल नहीं किया जा रहा, बंद कर जाए तो थाने पर कौन सा हो रहा है? मैं आपसे सवाल करता हूँ, आप कभी थाने के अंदर जाके देखें, एक अपनी बादशाही निज़ाम चल रहा है उधर, एक SHO, एक ASI, एक पुलिस वाला वो बगैर मास्क के घूम रहा होता है, वहाँ कोई मतलब SOP पे अमल नहीं कर रहा है। एक इदारे में चले जाएं, किसी भी इदारे में चले जाएं, अब बाहर तो आपको डंडे के ज़ोर पे रोक दिया था, मास्क नहीं है, अंदर जाके आप हाल तो देंगे। हम तमाम जगहों की बात करते हैं, हम एक जगह की बात नहीं करते। आप हॉस्पिटल में जाते हैं वहाँ पर आप किसी हद तक महसूस करते हैं कि वहाँ पर SOP पे अमल होता, बाकी आप पूरे मुल्क का हाल जो है ना वो नहीं है कि आप उस पर SOP पर। हाँ इसके अंदर एक काम, मैं आपकी बात को थोड़ा सा वो करूँगा, इसमें काम कर सकते हैं आप लोग, और वो ये काम कर सकते हैं कि लोगों को फैसिलिटेट करें। अब जिस तरह से पूरी दुनिया में किया गया, लोगों को मसाइल को बढ़ाएं नहीं, कम करें, टाइम बढ़ा दें, 24 घंटे का टाइम कर दें। मैं समझता हूँ जैसे ही अब 8 बजे का टाइम हुआ, अब यकीन करें वो रश ख़त्म हो गया, मार्केट से ख़त्म, बिल्कुल ज़ीरो हो गया है। अब 10 बजे का टाइम किया है, उससे और फ़र्क पड़ा है, लोग आराम से आते हैं, आराम से ख़रीदारी करते हैं, अपने घर चले जाते हैं। अच्छा मकसूद, जदून साहब हमारे साथ मौजूद हैं और महकमे यकीन तौर पर तालीम से इनका वास्ता है, तो ये बताया कि जदून साहब कह रहे कि प्राइवेट स्कूलों में हमने उनके वालदैन को बड़ा रिलीफ दिया है। जब कोरोना हुआ था तो आप ताजिर लोगों की तरफ से आवाज़ हुई थी कि जो है प्राइवेट स्कूलों के अंदर जो है वो गरीब के बच्चों को रिलीफ फराम किया जाता है, ऐसा दुरुस्त है? क्योंकि आप एक ताजिर हैं और ये इनका तालीम से वास्ता है। देखिए हमारा ताल्लुक़ तो ताजिर तंजीमों से भी है और ताजिर मैं ख़ुद भी हूँ, लेकिन मैंने जो महसूस किया है वो जदून साहब जो बात कर रहे हैं, किसी एक फैक्टर की बात करें तो मैं समझ लूँगा कि उस हद तक उन्होंने रिलीफ दिया हो, लेकिन हमारे पास जो कंप्लेंस है ना लोगों की, चूँकि मेरे पास अगर कोई वर्कर काम करता है तो उनकी ये कंप्लेन है कि हमारे साथ कोई रिलीफ नहीं किया गया है इस मामले में। 20% का जो जिक्र किया बेहतरीन बात है, वो सुप्रीम कोर्ट पर अमल हो रहा है, वो सब कुछ है, लेकिन कुछ स्कूल ऐसे हैं, मैं सबकी बात नहीं करता, कुछ स्कूल ऐसे हैं जिनको मैं माफ़िया कहूँगा, जो बड़े बड़े जो स्कूल हैं जहाँ हमारे बच्चे पढ़ते हैं वहाँ पर वो वाकई माफ़िया हैं। उन पे ना हुकूमत हाथ डाल सकती है ना कोई इदारा हाथ डाल सकता, उनकी
कोई किसी किस्म की आपने देखभाल नहीं हो सकी, क्योंकि वो अंदर जाने नहीं देते आप लोगों को। हमारा जोर किन पे चलता है? छोटे स्कूलों पे। अब छोटे स्कूल ले क्या रहा है? 2000, 1500, 3000 रुपये फीस ले रहा है, हम उन्हीं को लपेट रहे होते हैं, तो वो कहाँ से अपना मतलब वो करेगा? एक बिल्डिंग है, वो रेंट उसका देना है, स्टाफ को देना है, तो उससे उम्मीदें ना रखें आप। उम्मीदें रखें बैकन हाउस से, सिटी से। वो क्या कर रहे हैं? वो आपको अंदर घुसने नहीं देते माजरत के साथ। आपके वालदे, आप बच्चे के जो पेरेंट्स हैं उनको धक्के मार के बाहर निकाल दिया जाता है। देखें, ये एक हकीकत है जो मैं जदून भाई की जो बात से इत्तेफाक करूँगा। मुझे एक छोटे से ब्रेक के लिए भी कहा जा रहा है कि हम चलते हैं एक छोटे से ब्रेक की तरफ। ब्रेक से वापस आएंगे तो इन दोनों मेहमानों से गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। ब्रेक पर जाने से पहले हमारे साथ गुफ्तगू का सिलसिला जारी था मखदूम कुरैशी साहब के साथ, और उन्होंने कहा कि जो बड़े स्कूल हैं वो वाकई माफिया हैं। मगर क्यों कहा जाता है, किस लिए कहा जा रहा है कि जिसमें जो बड़े बड़े जो है मिनिस्टर उनके बच्चे पढ़ते हैं, वो बआसानी तालीम के पैसे भी दे देते हैं, हर मुश्किल को वो अबूर कर सकते हैं। एक गरीब आदमी ना वो अपने बच्चों को अच्छी तालीम नहीं दे सकता बड़े स्कूल में पढ़ा के। उसकी कोशिश ये होती है कि एक छोटा सा जो गली के अंदर प्राइमरी स्कूल है गवर्नमेंट का, जिसकी दीवारें टूटी हुई हैं, क्लास की खिड़कियाँ निकली हुई हैं, वो बेचारा उसी पर इनेकाद कर लेता है। तो अभी जैसे मखदूम कुरैशी ने कहा, तो हनीफ भाई जैसे ही कहा कि मखदूम साहब ने कि बड़े बड़े स्कूल है बिगन वगैरह, तो वहाँ पर तो माफिया बने हुए, तो ये बात दुरुस्त है या गलत है? देखिए, मेरे ये साथी हैं, मेरे दोस्त हैं, और मैं अपने दोस्त को कदर की निगाह से देखता हूँ, लेकिन आकाए दो जान आलम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इखलाकियात का दर्स दिया है, और मैं इनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि किसी को भी माफिया कल आज एज यू शो सोशल यू रीप, जैसा आप बोगे वैसा काटोगे, तो कल आपको भी लोग फिर माफिया कहेंगे। तो मैं अपनी बिरादरी को तो कभी माफिया कहने की ना खुद जसारत करता हूँ और ना किसी दूसरे को इजाज़त देता हूँ कि वो किसी को माफिया कहें। अच्छी बात है। इसके लिए कोई बेहतर लफ्ज़ बोल सकते हैं? ठीक है, वो जो इन्होंने बातें कहीं, मुमकिन है कि बीकन में सिटीज़ में इस तरह के स्कूलों के अंदर आप आसानी के साथ जा भी नहीं सकते, और उनके जो रूल रेगुलेशंस हैं उनको आप आसानी के साथ फॉलो भी नहीं कर सकते, वो एक टफ जॉब है। मैंने अपनी पहले गुफ्तगू में बताया था कि गवर्नमेंट भी उनको स्कूलों को पूछती नहीं है, गवर्नमेंट भी अपना डंडा जो बरसाती है वो लेस प्रिविलेज एरियाज़ के अंदर जो स्कूल हैं 2-2.5-3 हज़ार फीस लेने वाले स्कूल हैं उन्हीं के ऊपर अपने जो भी हरबे हैं वो इस्तेमाल करती है। और जितने बेहतर SOPs इस तारीख गवाह है कि स्कूल बेहतर हालत में SOPs कर सकते हैं, इससे ज़्यादा बेहतर कोई भी SOPs नहीं कर सकता, लेकिन उसके बावजूद जो पहला हमला होता है वो स्कूलों पर ही होता है और उन्हें बंद कर दिया जाता है। मैंने थोड़ी देर पहले गुफ्तगू रखी थी कि बजाय हिकमत अमली बनाते, बजाय ये सोचते, बजाय ये प्लानिंग करते हमारे वज़रा, इसीलिए ये बनाया गया वज़ीर तालीम इसलिए बनाया जाता है कि वो इसके ऊपर सोचे कि जो हमारे खसारा हो चुका है कौम का, क्योंकि आप तो 18 माह कह रहे हैं, हमारे हिसाब से 2.5 साल गुजर चुके हैं। 28 फरवरी 2019 को हमारे स्कूल बंद कर दिए गए थे पहली दफ़ा, और उस वक्त से लेकर अभी तक अगर काउंटिंग कर ले तो ये तकरीबन 2.5 साल का अरसा बनता है। इस 2.5 साल के अरसे में जितना अताब स्कूलों को बर्दाश्त करना पड़ा, और हज़ारों स्कूल बंद हुए, और कई हज़ार टीचर्स और इसातिज़ा, और ये वो लोग हैं जो भीख नहीं मांग सकते, किसी के आगे हाथ नहीं फैला सकते, वो बेरोज़गार हुए। हम हर वक्त जब भी हमें मौका मिला, जो भी ज़राए मिले, जो भी हमारे वसाइल थे, उस वसाइल से हम हुकूमत वक्त से अपील करते रहे कि खुदारा कोई हमें ऐसा रिलीफ फंड दीजिए कि जिससे जरिए जो हज़ारों स्कूल बंद हो रहे हैं बच्चे मुतासर हो रहे हैं, मुतासर भी ये लेस प्रिविलेज एरियाज़ के बच्चे ज़्यादा हुए, वरना जो बड़े स्कूल्स हैं उनके यहाँ ऑनलाइन सिस्टम भी था, गो के ऑनलाइन सिस्टम मेरे हिसाब से 14% से ऊपर नहीं था, और वो कामयाब तरीन तजर्बा पाकिस्तान के अंदर नहीं था। ऑनलाइन जो सिलसिला था वो कामयाब नहीं रहा, बच्चों को काफ़ी नुकसान पहुँचा था। बहुत नुकसान पहुँचा। कल तक हमारा टीचर मना करता था, हम मना करते थे कि मोबाइल आपके जेब में नहीं होना चाहिए, मोबाइल जो स्कूल में लाएगा हम उसे छीन लेंगे,
ये कल तक हम दर्श देते थे और आज आप मोबाइल लाए। इस कोविड में कहा गया कि बच्चे को मोबाइल पर लाया जाए, उस बच्चे की कितने मुजर असरात हुए ये भी आपको शायद अंदाजा नहीं होगा, लेकिन चंद सालों में आपको उसके मुजर असरात का अंदाजा होगा कि किस तरीके से उन्होंने पढ़ा तो शायद कम माजरत के साथ, उन्होंने उसके ऊपर क्या गलत किस्म की मूवीज और गलत किस्म के गेम्स देखे जिससे वो टेररिस्ट भी बन सकते हैं और जिससे वो एक माशरे के अंदर गलत काम भी फैला सकते हैं। हमारा तालीमी निजाम कैसे दुरुस्त होगा कुछ तो बताएं कि उसे दुरुस्त करने के लिए क्या हिकमत अमली इख्तियार करनी चाहिए। हमारा निज़ाम तालीम कैसे दुरुस्त हो सकता है, मैंने पहले भी कहा था कि सारी चीज़ें हुकूमत के पास होती हैं, मैं किसी एज ए यूनियन किसी एक जगह चंद स्कूलों को तो दुरुस्त कर सकता हूँ लेकिन सारे निज़ाम को कभी भी दुरुस्त नहीं कर सकता हूँ। फिर उसके सेक्रेटरीट्स होते हैं, जब तक आप एक फार्मूला नहीं देंगे, जब तक इसकी तरतीब के लिए तकरीबन माशरे के सारे लोगों को उसमें नहीं बिठाएंगे कि इस इकाई को दुरुस्त करना है और निसाब तालीम और तालीम हमारी बुनियादी ज़रूरत है, वो कौमें कभी पनप नहीं सकती, वो कौमें कभी तरक्की नहीं कर सकती जो तालीम से महरूम हो। हमने 850 साल स्पेन के अंदर हुक्मरानी की, इस तालीम की बुनियाद पर हमने हुक्मरानी की और यूरोप से लोग हमारे पास पढ़ने आया करते थे, लेकिन जिस वक्त हमने इस निज़ाम को छोड़ा, कुरान की दावत को छोड़ दिया, तो आज हम पूरी दुनिया के अंदर जीरो ख्वार। तो अनी साहब, कहा जाता है कि सूबाई वजीर जो तालीम है हमारे, तो उनकी तो कोई दिलचस्पी नहीं है, वो तो सियासत में ज़्यादा दिलचस्पी रखते हैं। तालीमी इदारे जो आपने देखा हो, गवर्नमेंट के जो तालीमी इदारे हैं, कहीं भैंसें बंधी हुई है, कहीं की दीवारें टूटी हुई है, खिड़कियाँ टूटी हुई है, 5-5 बच्चे बैठे हुए, और फिर जो बजट आया है तो इस बजट में तालीम पर अच्छा खासा फंड रखा गया है, तो बजट का जो फंड है वो कहाँ जाएगा फिर? हाँ, ये बात आपकी दुरुस्त है सर, अगर मैं मुमकिन है कि इसके बाद भी आपके सवालात हों, लेकिन मैं कल के साने पर आता हूँ। कल मेरी तारीख के अंदर जो मैट्रिक का पर्चा आउट हुआ है जी, कल पाकिस्तान की तारीख के अंदर आपने टाइम बहुत कम बताया, मैंने आखिरी दौरा यहाँ VM पब्लिक स्कूल धोरा जी में किया, 2:05 पर यहाँ मैंने पेपर शुरू करवाया, तो आप 9:30 से 2:05 पर तब देख लें कि कितना टाइम बनता है, ये 4-4.5 घंटे से ऊपर का टाइम बनता है। और जो बच्चे सुबह 9 बजे आए हुए थे, यकीनन 9:30 बजे पेपर था, 9 बजे इस इदारे में मौजूद थे, और फिर एक इदारे के अंदर कल बिहार के अंदर 7:00 बजे शाम तक पेपर नहीं पहुंचा और वहां पेपर कैंसिल किया गया है, ये सूरत हाल रही। और उस पर मादर के साथ वजीर तालीम का जो बयान आया वो दिल को छलनी कर जाता है कि मेरी ये कस्टडी में ही नहीं आते। ओ भाई, तुम्हारी कस्टडी में क्या आता है ये तो बताओ वादे करके, तुम्हारी कस्टडी में सिर्फ ये आता है कि इदारे बंद कर दो कोरोना हो गया, तुम्हारी कस्टडी में ये आता है कि बच्चों को तबाह कर दो, तुम्हारी कस्टडी जब पहला कोरोना 19 का हुआ था उसके बाद मेरे मिसाल के तौर पर एक स्कूल के अंदर 500 बच्चे पढ़ते थे, 200-250 रह गया, और ये एवरेज हर जगह 50% बच्चा लेस हुआ, और मैंने पहले बताया कि सैकड़ों इदारे तबाह हो चुके हैं और सैकड़ों टीचर, हजारों टीचर जो है वो बर्बाद हो चुके हैं, लेकिन हम रोते रह गए इनके आगे कि हमें कोई रिलीफ फंड दे दो, हम आपको वापस कर देंगे ताकि हम अपने पाँव पर स्टैंड कर सकें, लेकिन आज तक इनके कानों में कोई जूं ऐसी नहीं रेंगी कि ये उसके ऊपर कोई अमल कर लेते। अच्छा, मकसूद रशीद साहब ये बताइएगा कि जोबली मार्केट है, अभी 2 दिन पहले वहाँ कुछ दुकानें नाले पर थी और वो धस गई, तो उसमें दुकानदारों को काफ़ी नुकसान पहुँचा मगर कुछ जानी नुकसान नहीं हुआ, तो ये तमाम चीज़ों का जब इल्म होता है, और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इंक्रोचमेंट पर भी कह दिया गया कि जहाँ जहाँ इंक्रोचमेंट होगी वहाँ खात्मा किया जाएगा, तो अब जोबली के जो लोग हैं जो मुतासरीन वहाँ मुजाहरा कर रहे हैं, तो फिर अब उनका मुतालबा क्या है, अब वो क्या चाहते हैं हुकूमत से? देखिए, सबसे पहले तो मैं जदून साहब की बात को जो उन्होंने मैंने लफ्ज़ माफिया ठीक है एक नामुनासिब सा लफ्ज़ है, मैं वो वापसी लेता हूँ। और सबसे मेन बात यह है कि हमने हर एक चीज़ को जो ना एक सिस्टम में लाना होगा। जब हम लोग किसी इदारे में जाते हैं उनका एटीट्यूड देखा होता है, तो मेरी जो मेरा मकसद था ना बताने का वो ये था कि ये जो बड़े बड़े स्कूल हैं इनका एटीट्यूड बहुत ख़राब है, पहले तो उसको दुरुस्त करवा। मैं आपसे ये कहूँगा, आपके तवसुत से ये पैगाम दूँगा कि आप इसमें करवा सकते हैं, आप ये किरदार अदा करवा सकते हैं, ठीक है ना, बड़े बड़े स्कूलों को एटीट्यूड सिखाएँ कि वालदिन से बात कैसे की जाती है। अच्छा, मैं अब आता हूँ जुबली की तरफ। 450 दुकानें हैं जुबली की, 12 से 14 दुकानों के दरमियान में एक गढ़ा पड़ा जो नाले की वजह से बैठ गया। 40 साल पहले जुबली वालों को ये दुकानें KMC ने अलाट की थी, पगड़ी सिस्टम जिसको कहते हैं या रेंट सिस्टम जिसको कहा जाता है, उस पर उसमें होता ये है कि जो
KMC का रेंटर होता है वो चालान हर माह भरता रहता है और उसका वो कंटिन्यू चलता रहता है। जिस शख्स ने 40 साल पहले वो दुकान खोली होगी, उसने 40 साल की उस पर पूरी की पूरी इमारत तैयार की, उस पर उसका पूरा घर चल रहा है, ख़ानदान चल रहा है, कुनबा चल रहा है, उसने अपने बच्चों की शादियाँ वहीं से की और अब आने वाली नस्ल भी वहीं से परवान चढ़ेगी, तो उसने तो अपनी पूरी ज़िंदगी उस 40 साल उसको दे दी है और उसको तामीर और तरक्की उसी से उसने अपनी करनी है। अब एक सहानिया हो जाता है कि चूँकि जब KMC की वो मार्केट है, वो KMC को चाहिए उसका विज़िट करते रहें। सुप्रीम कोर्ट ने ऐलान किया नाले की दुकानें ख़त्म कर दो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा कि इनको रखा कहाँ जाए, नटी जटी से नीचे फेंक दिया जाए, बीच समंदर में छोड़ दिया जाए या कहाँ रखा जाए। सुप्रीम कोर्ट एक ऐलान करती है कि ये कर दो और अपना अलादीन पार्क की दुकानें ख़त्म कर दो। तो मेरा सवाल ये बनता है, जब अलादीन पार्क तामीर हो रहा था, जब वो दुकानें बनाई जा रही थी, जब जुबली की दुकानें दी जा रही थी, सुप्रीम कोर्ट कहाँ थी, ये इदारे कहाँ थे, सोए हुए थे? चूँकि बड़े बड़े डील होती हैं, बड़े बड़े नोट चलते हैं, उधर चलने के बाद जब वो इदारे अपना काम नहीं करते ठीक से, तब जाके इस तरह के सानियात होते हैं। अब जुबली क्लाथ मार्केट का जो स्टेटस है, जो एहतजाज हो रहा है, उसके पीछे सिंध ताजर इतिहाद के तमाम लोग मौजूद हैं और वहाँ हमारे एक सदर होते हैं गनी मेमन साहब, वो उसको डील कर रहे हैं, लीड कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह वो टूटने जा रही थी, उसको हमने इस हद तक कर लिया है कि वो टूटेगी तो नहीं अभी, लेकिन उस पर यह है कि अगर कंपनसेट किया जाता है, उन्हें कोई और जगह दे दी जाती है, तो हम उस पर बातचीत करने को तैयार हैं। अदरवाइज़ हमारे पास एहतजाज का हक महफूज रखते हैं, हम हर तरह का एहतजाज भी करेंगे, यहाँ तक कि हम कराची भर में भी इसका मुजाहरे भी करेंगे। अच्छा मकसूद ये बताएं कि कोरोना के दौरान कई मार्केटें ये जो है ख़िलाफ़ वर्जी करते हुए SOP की बंद कर दी गई, सील कर दी गई और फिर वहाँ से लाखों रुपए का जुर्माना भी दिया गया। ऐसा ही है। तो उस जुर्माना की पर्ची गवर्नमेंट की तरफ थी या सिर्फ और सिर्फ सफा कर दिया गया कि वो जुर्माने का पैसा किसके पास गया, सिर्फ गवर्नमेंट के पास गया या किसके पास गया? आज तक ये पता नहीं चल रहा, ताजिर सही क्यों नहीं बता रहा ये पैसा किसके पास गया? नहीं, ताजिर को पता हो तो बताएगा ना, ताजिर को तो खुद नहीं पता होता। नहीं तो ताजिर को तो ये तो पता है कि वो पैसा किसको दे रहा है जी, जब 2 लाख मार्केट के खुलवाने के दे रहा है तो किसको दे रहा है? ऐसी साहब से डील होती है सारी, और ऐसी साहब के जो पियोन होते हैं, जो करता रहता होते हैं, वो सारी डील करते हैं और 5 लाख से चीज तो डिप्टी कमिश्नर कर रहा है जी जी, तो SSP का क्या ताल्लुक उससे? नहीं, SSP नहीं, ऐसी साहब ये सारी सील जो करा रहे थे वो ACO DC करा रहे थे ना, ACO DC करा रहे ना, उसके बाद वो डील, वो जुर्माना ऐड करके चले जाते हैं, उसके बाद जब खुलवाने का मरहला होता है तो निचली टीम पूरी डील कर रही होती है, वो हमें ये नहीं बताती हम ये पैसे सिंध गवर्नमेंट में देंगे, KMC में देंगे, किसी और तो रसीद तो मिलती होगी ना उसकी, वो रसीद ही होती है। आप छोड़ दें इन बातों को, बहरहाल मैं, मुझे यहाँ से अपनी दुकान पे भी जाना है। अच्छा। ऐसी बात है, मुझे बहुत सारे मामला, मैं भी कारोबार तो करता हूँ ना, तो ये बहुत सारी चीज़ें इसको हिडन ही रहने, क्योंकि बड़े मामला आते हैं SOP के नाम पर, क्या कुछ शहर में होता रहा है ये आप भी जानते हो और मैं भी जानता हूँ। अच्छा अनिल भाई, आपसे बात करते हैं कि मैट्रिक बोर्ड है, जहाँ पर अभी इसकी भी कोताही, जब पेपर आउट हुआ है तो उनकी भी कोताही, तो क्या आप उनकी कारकर्दगी से मुतमईन है कराची मैट्रिक बोर्ड से? देखें जी, जो कल मुजाहरा हुआ, कल 2 साल बाद पहला फिजिक्स का पेपर था मैट्रिक वालों का और 9:30 बजे शुरू होना था, जो कि 9:30 बजे शुरू नहीं हुआ। सबसे पहले जब हमें इतला मिली अलायंस ऑफ प्राइवेट स्कूल सिंध के तहत, हमारे चेयरमैन अलीम कुरैशी और मैंने मुख्तलिफ इलाकों का, न्यू कराची, सुरजानी और इन इलाकों का दौरा किया और कोई बोर्ड से रबते किए, बोर्ड से कोई फ़ोन उठाने को तैयार नहीं था, हमारे फ़ोन उठाने को तैयार नहीं था, तो स्कूल वालों के या दूसरे लोगों के फ़ोन कैसे उठाए जाएंगे? फिर हमने बोर्ड के चेयरमैन से टाइम लिया, उन्होंने हमें 3:30 बजे का टाइम दिया कि आप लोग 3:30 बजे आ जाएँ, हम एग्जैक्ट 3:30 बजे ये VM स्कूल धोरा जी से होकर, यहाँ आखिरी हमारा राउंड था, जबकि हमारे कुछ साथियों ने नेवल कॉलोनी मजीद SRE में, वहाँ भी 2:05 पर पेपर शुरू हुआ, वहाँ भी हमने डिप्यूट किया था, तो वहाँ से फारिग होकर हम सारे बोर्ड ऑफिस पहुँचे। तरीके के साथ हमने उनसे बात की, क्योंकि डंडा तो किसी को मारा जा नहीं सकता, हमने कहा कि हमने ज़िंदगी में इतना बड़ा आलमिया कभी नहीं देखा इसमें, बल्कि वहाँ जब पहुँचे तो चेयरमैन साहब मसरूफ़ थे, तो हमने 15 मिनट अपनी गुफ्तगू की और एक नतीजे पर, हम इस नतीजे पर पहुँचे कि हम कल के पेपर को इनको मनसूख करने का कहते हैं कि इतना बड़ा आलमिया हुआ है और पेपर, क्योंकि जब मुख्तलिफ अवकात में मुख्तलिफ जगहों पर जाएगा तो यकीनन लीक हो जाएगा, और ये जो फैसिलिटी मोबाइल
चीज़ की बच्चों को प्रोवाइड की गई ऑनलाइन के नाम पर, कल इसका इतना ज़बरदस्त मुजाहरा हुआ इस मोबाइल सिस्टम का कि इसके ऊपर पेपर थोड़ी देर आधे घंटे बाद ही आउट हो गए थे। और एक जगह तो हमें ये भी इत्तला मिली कि 9 बजे भी पेपर शुरू हो गया, तो 9 बजे पेपर शुरू होने का मतलब क्या है ये आप अच्छी तरह समझ सकते हैं कि पेपर लीक आउट कर दिए गए। वहाँ से तो पेपर बोर्ड से भेजे गए, लेकिन फिर उनका कहना ये कि हमारे यहाँ जो CCO लगाए जाते हैं वो CCO अपनी ड्यूटियों पर जिन मराकज़ पर भेजा गया था पेपर वहाँ पहुँचे नहीं, जिस वजह से हम पहुँचा नहीं सके। तो ये गफलत का इतना शानदार मुजाहरा किया गया है, या तो इसका ये भी अलमिया हो सकता है कि इसके पीछे जो हिडन हाथ्स हैं बोर्ड ऑफिस को नाकाम बनाने के लिए ये काम किया गया, और मजीद और बोर्ड ऑफिस जनरेट को नाकाम बनाने के लिए किसने काम किया है, कौन ऐसी माफिया के पीछे? ये जो करप्ट ये करप्ट लोग जो हैं, जो नकल माफिया है, नकल करवाते हैं, पैसे लेते हैं, बोर्ड के लोगों से मिले हुए होते हैं, ये वो लोग हैं जिन्होंने ये सारा खेल खेला। और क्योंकि जो नए चेयरमैन है, इससे पहले सैयदुद्दीन सदीकी साहब थे, बड़े अच्छे तरीके से निज़ाम को, छोटी मोटी गलतियां तो बहरहाल हर जगह हुआ करती हैं, बड़ा अच्छा निज़ाम को चला रहे थे। लेकिन ये शरफ अली शाह साहब जो आए, ये कल उन्होंने खुद इस बात का इजहार किया कि मैं तो यूनिवर्सिटी से आया हूँ और मुझे इन मामलात का ही नहीं पता, बल्कि उन्हें CCO तक का नहीं पता था कि CCO का काम क्या है। तो वो अभी बेचारे थोड़ा ही अर्सा हुआ, 5-6 महीने हुए उनको शिफ्टिंग के, और ये इतना बड़ा सानिया हो गया, ये कौम कभी नहीं भूल सकती। और ये सानिया ऐसा है कि पहले ही बच्चे तबाह हैं, 2 ही पेपर का इम्तिहान लिया जा रहा है और वो पहले ही पेपर के अंदर ऐसा ज़बरदस्त सानिया कर दिया गया। तो हमने उन्हें कहा है कि हम आपके साथ भरपूर तआवुन के लिए तैयार हैं, लेकिन खुदारा जो कल पेपर होने वाला है, हमारी टीमें कल भी इंशाल्लाह फील्ड में होंगी और कल पेपर जो है कम से कम उसकी दुरुस्ती के लिए, तो उन्होंने कम से कम पहला इकदाम ये उठाया कि CCO जितने थे वो सारे मुअत्तल कर दिए और वो काम डायरेक्ट लिया जाएगा। तो हम दुआगो हैं कि अल्लाह ताला उसमें बेहतरी पैदा करे, हम दुआगो हैं कि शरफ अली साहब को भी उसको निज़ाम को समझने की तौफीक दे, ताकि ये जो सानिया हुआ इस तरह का सानिया दोबारा ना हो। अच्छा मकसूद कुरैशी साहब, तकरीबन 18 माह के दौरान ताजरों को बड़ा नुकसान हुआ है, तो कभी आपने सिंध हुकूमत से या वफाकी हुकूमत से कोई मुतालबा किया कि जो लोग बेचारे बेरोज़गार हो गए, कईयों पे कर्ज़ा चढ़ गया, तो उनके कर्ज़ा उतारने के लिए आपने कभी उनसे बिलासूस कर्ज़े की बात की हो कि हमें कर्ज़ा फराहम किया जाए ताकि उनका कर्ज़ा भी उतर जाए? तो कुछ जो है उससे उनकी उनकी जो है उनको रिलीफ फराहम हो जाए। देखिए जी बात ये एक काम करते हैं कि हमें ब्रेक के लिए कहा गया, हम छोटा सा ब्रेक के साथ करते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे और वही सवाल के साथ इनसे गुफ्तगू करेंगे। ब्रेक पर जाने से पहले हमारी अनीब जदून साहब से बातचीत चल रही थी एजुकेशन के हवाले से और मेरी तालीम के हवाले से। मकसूद कुरैशी साहब से भी हम पूछते हैं कि मकसूद साहब ये बताइएगा कि कोरोना के दौरान कई ताजिरों को नुकसान हुआ, आपने कभी उनकी ये कहा जाता है कि उनकी भलाई के लिए या उनके रिलीफ के लिए हुकूमत से कोई बिलासूस कर्ज़ा मांगा हो कि ताकि वो कर्ज़दार हुए थे उनका कर्ज़ा उतर जाए, तो सवाल से आपने कभी हुकूमत से कोई बातचीत की है? देखिए 18 मार्च 2020 को पहला लॉकडाउन लगा था, हमने 15 अप्रैल 2020 से अपनी जदोजहद स्टार्ट की और 30 अप्रैल तक हम इस नतीजे पे पहुंच गए थे कि हम लॉकडाउन में नरमी के हवाले से बातचीत हमारी हो गई थी। बारह उसके बाद हम लोग मिलते जुलते रहे और हुकूमत को इस बात के लिए बावर कराते रहे कि ताजिर इस वक्त बहुत मुश्किल हालात में है, इनके लिए रिलीफ दिया जाए। पहला फेज़ ख़त्म होने के बाद जब सेकंड आया तो वो इतना मतलब प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हुआ, सिर्फ टाइमिंग का एक इशू था। थर्ड जो इसका वो था ना वार, वो इतना ख़तरनाक था कि ताजिरों की चीखें निकल गईं। उसकी सबसे बड़ी वजह ये कि थर्ड में जो सबसे बड़ा इम्प्लीमेंट उन लोगों ने कराया वो रमज़ान के एंड में कराया। वो जो रमज़ान में जो एंड के दिन होते हैं वो ताजिर अपनी पूरी जमा पूंजी लगाता है, यहाँ तक कि मैं
कई ताजरों को ऐसा जानता हूँ जिन्होंने गोल्ड रखवा के माल खरीदा, अपनी प्रॉपर्टी गिरवी रख के माल खरीदा और इन लोगों ने आखिरी के पूरा वीक बंद कर दिया। उससे ये हुआ कि ताजिर पर डबल बोझ आ गया और वो क्रैश कर गया। इस वक्त 40% ताजिर जो है डिफॉल्ट हो गया, 40% ताजिर वो है जो बहुत मुश्किलों से सर्वाइव कर रहा है, 20% जिसके बाद बहुत बड़ा सरमाया था उसने कुछ अपने मामलों को अभी बेहतर किए हैं। तो हम उस वक्त से वफाकी हुकूमत से और सिंध हुकूमत से मुतालबा करते रहे। अंजुमन ताजरान पाकिस्तान जो नए मीर साहब हैं जो पूरे पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हैं वो इस्लामाबाद में मुजाहरा करते रहे उस हवाले से। सिंध ताजर इताद जमील पराचा की क़यादत में पूरे सिंध में और सिंध हुकूमत से इस मामले में हमने बहुत सारी मीटिंगें भी की, बातचीत भी की, लेकिन उसका जवाब सिफर था। ना वफाक ने कोई रिलीफ दिया, ना हमें सिंध गवर्नमेंट ने रिलीफ दिया। चंद महीनों के लिए सिर्फ बिजली के बिलों में थोड़ा सा रिलीफ मिला, बाकी हमें कुछ नहीं। हाँ, एक रिलीफ बहुत बड़ा दिया है कि हम पर टैक्सेस के नाम पर 300% बढ़ा दिया है। सर, सूरत हाल ये है इस वक्त कि आप कोई भी चीज़ कोविड से पहले की और अब उठा के देख लें, आपको 300% का फ़र्क आ जाएगा, 200% का फ़र्क आ जाएगा, 150% का फ़र्क आ जाएगा। अब ताजिर क्या करे, महंगा माल हो गया, सरमाया आपका डबल तिबल हो गया, प्रॉफिट रेशू नीचे आ गया, अब हम क्या। तो महसूस साहब, ये तो हुकूमत ने एक बात आप पर जुल्म किया, मगर जो लोग के लिए आपने बिना सूद कर्जे की बात की थी तो वो आपको कोई जवाब मिला मुतमईन या नहीं, नहीं। या ताजिर संधि में सिर्फ और सिर्फ आवाज़ें बुलंद करती रहेंगी? नहीं, बिला सूद तो कभी भी मतलब ऐसी कोई बात उन लोगों ने हमसे नहीं की थी। जब भी बात तो आप लोगों ने तो हम लोगों ने तो की है, तो हम तो क्या उसका जवाब मिला? दीवार मतलब सर, दीवारों पे मारने के मुतरादिफ होती है बातें, तो जू भी नहीं रिखती सर, ये तो बादशाह हैं। तो फिर मकसूद भाई, ऐसी ताजिर तंजीमों का क्या काम कि जब आप अपने करोड़ों अरबों रुपये का टैक्स दे कर भी और आप अपने मुतालबात ना बना सकें, क्या वजह? देखिए बात यह, ताजिर बेसिकली एक शरीफ आदमी होता है और वो कारोबार को जानता है। ताजिर बदमाशी नहीं कर सकता, एहतजाज का करता वो हम करते रहें। अब हम हुकूमत के बाहर आके टायर जलाना शुरू कर दें या बसों को आग लगाना, ये ताजिरों को जेब नहीं देता। हम लोगों ने इदारों पे, सिंध हुकूमत पे, वफाकी हुकूमत पे प्रेशराइज किया, हमने लेटर के जरिए दे सकते थे, मीडिया में आके हमने बातचीत की, लेकिन हमें उसका कोई मस्बत जवाब नहीं मिला आज तक। मैं आपके तवसुत से एक अपील करता हूँ एक बार फिर कि अगर इस मुल्क की मैशियत को उठाना चाहते हैं ना, तो जो रीढ़ की हड्डी है ना ताजिर बिरादरी, उसको उठा लें, ये मुल्क खुद उड़ जाएगा। आप जो जुल्म ताजिरों के साथ कर रहे हैं ना, वो जुल्म बंद कर दें, सिर्फ ताजिर खुद उड़ जाएगा। मैं आपसे मतलब यही आपके चैनल के हवाले से ये एक अपील करूँगा वज़ीर आज़म पाकिस्तान से भी और सिंध गवर्नमेंट से भी। अच्छा हनी भाई, ये बताइएगा कि अंदाजे के मुताबिक हमारे यहाँ तालीम का बड़ा रुझान कितना है पढ़ने वालों का? जी, हमारे तालीम का रुझान कैसा है? देखिए, एक सर्वे 2019 का है जिसके अंदर 70% जो है वो मेल स्टूडेंट्स हैं और 50% जो है वो फीमेल स्टूडेंट्स हैं। तो इसका एवरेज अगर लगाया जाए तो तकरीबन 60% जो है वो एवरेज बनता है। अब ये कितना दुरुस्त है, ये कितना बेहतर है, लेकिन मैं समझता हूँ और कंट्री वाइज देखा जाए तो 189 का जो ये इसमें 189 कंट्रीज़ का सर्वे था और 189 में हम उस वक्त 152 पर आते थे और आज इसकी कैफियत मैंने पहले भी थोड़ी देर पहले बताया कि 50% बच्चा जो है वो तालीम से पहले ही हमारे हिसाब से 4.5 करोड़ बच्चा तालीम से दूर था। और जब ये 50% बच्चा ये भी दूर हो गया तो इस तरह और बच्चा बढ़ने की तादाद ज़्यादा हो गई और हमारा रेशियो जो है अब मेरा ख्याल से इस वक्त 30-35% से ऊपर इस वक्त नहीं रहा। और ये तो कुछ सर्वे बेहतर होगा तो उसमें और मज़ीद बेहतर। अच्छा, कहा जा रहा है कि जदीद तरीके से तालीम का कत्ल किया जा रहा है, क्या मतलब? मतलब जदीद तरीके से इसी तरीके से कत्ल किया जा रहा है जैसे मैंने अभी बताया कि मुल्क के अंदर जैसे इन्होंने इन्हें ये अंदाज़ा ही नहीं है कि यहाँ लेस प्रिविलेज एरियाज़ कितने हैं, इन्हें ये अंदाज़ा ही नहीं है। जैसे अभी थोड़ी देर पहले आपने एक बात कही थी कि इनके स्कूलों में गधे घोड़े बंधे हुए हैं और गवर्नमेंट के जो प्राइमरी स्कूल हैं जी जी जहाँ वहाँ देखें आए दिन मीडिया दिखाता है कि इस स्कूल के अंदर इमारत टूटी हुई है, बच्चे बैठे हैं, दरिया पटी हुई है। ये तो गवर्नमेंट स्कूल की बात कर रहा हूँ, प्राइवेट की बात बिल्कुल मैं उसी की बात पे जा रहा हूँ।
कल ही एक सोशल मीडिया पर ये बात आ रही थी और मीडिया से भी ये बात आ रही थी कि एक स्कूल के अंदर, मैं एरिया का नाम नहीं लेना पसंद करता हूँ, मुनासिब नहीं है, कि 13 टीचर हैं और 3 बच्चे पढ़ रहे हैं और फील्ड टीचर जो है उसकी सैलरी 1-1.5 लाख, 1.5 लाख के लगभग इस तरह की, ये लाखों का खर्च जो है 3 बच्चों पर किया जा रहा है, इसका कौन जिम्मेदार है? वज़ीर तालीम ज़िम्मेदार नहीं है तो फिर क्यों बने वो वज़ीर तालीम अगर वो इसके ज़िम्मेदार नहीं है? तो जब वो वज़ीर तालीम बने तो उन्हें ये सारी चीज़ों को देखना होगा, उन्हें ये सोचना होगा कि हम इन मुल्क के परवानों को या जो बजट हमने इनके लिए रखा है उस बजट को, मतलब हम उसका सही इस्तेमाल करें, उस बजट को ज़ाया ना करें। लेकिन शायद ये बजट इसीलिए रखा जाता है कि इनके अपने कामों में उसका इस्तेमाल आ सके और उसको बेहतरी की तरफ, ये अपने अपनी बेहतरी की तरफ। हम कहना चाह रहे हैं कि जो भी तालीमी सूबाई वज़ीर बने या वफाकी वज़ीर बनते हैं उनका ये शोभा नहीं होता और उनको ला के बिठाना जाता है कि ताकि वो अपने लिए कुछ ना कुछ अपनी पार्टी के लिए पैसा बनाते रहे। अभी आपका कहने का मतलब बिल्कुल दुरुस्त बात है, क्योंकि हमारे मुल्क का ये सानिया है, वो वज़ीर रेलवे हो, वज़ीर सनत हो, वज़ीर तालीम हो, वो उसका शोभा टेक्नोक्रेट्स तो नहीं होता। जिस वक्त तक आपके टेक्नोक्रेट्स नहीं होंगे, मिसाल के तौर पर आप तालीम को बहुत अच्छा जानते हैं, आपको वज़ीर नहीं बनाया जाएगा और मुझे बना दिया जाएगा तो कभी भी मैं रिजल्ट देख दे नहीं सकूँगा। जैसे मैंने कल ही बोर्ड ऑफिस का आपको बताया कि चेयरमैन वो कहता है, वो खुद कह रहा है कि मुझे यूनिवर्सिटी से लाया हूँ, मुझे कॉलेज और स्कूलों की स्ट्रेटजी का पता ही नहीं है। जिस शख्स को कॉलेज और स्कूलों की स्ट्रेटजी का पता नहीं होगा वो उसको क्या तरक्की दे सकेगा और उसमें क्या, और वो इसी तरह के साने रोनुमा होंगे जो कल साने रोनुमा हुआ है। लेकिन आइंदा हम दरख्वास्त उनसे भी करते हैं और आपके ज़रिए से भी बात करते हैं कि खुदारा ऐसे सानियात बार बार रोनुमा करने के हम मुतहम्मल नहीं हो सकते, हमें ऐसे सानियात से बचाया जाए और अहल लोगों को उनकी जिम्मेदारियाँ सौंपी जाए ताकि किसी तरीके से उसका बेहतर रिजल्ट आ सके। अच्छा हनी भाई, देखने में आता कि एक वक्त था कि स्कूलों में जो बड़े स्कूल थे वहाँ खेलों के मैदान थे और आज वो खेलों के मैदान उस ग्राउंड में स्कूलों में नहीं है। मगर बाकायदा कैसे जो प्राइवेट स्कूल हों या गवर्नमेंट स्कूल हों तो वहाँ फीस में एक जो लेटर आता है आपकी तरफ से बच्चों के दाखिले के लिए तो उसमें बच्चों की फ़ीस भी वसूल की जाती है खेलों के हवाले से, तो खेलों का फंड तो प्राइवेट स्कूल में कहीं मुझे नज़र नहीं आता कि लग रहा हो, कोई एक्टिविटी नज़र ही नहीं आती। साल में एक दफ़ा आती है वो 14 अगस्त को या 23 मार्च को। बात आपकी ये बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन मसला ये है कि खेलों के मैदान पिछले दौरे हुकूमत के अंदर गुज़िश्ता 10-15 साल से ऐसा बड़ा सानिया कराची के साथ रोनुमा हुआ कि जितने खेलों के मैदान हैं वो कब्ज़े कर लिए गए और उन पर अगर लेस प्रिविलेज एरियाज के अंदर गवर्नमेंट के स्कूलों के अंदर बहरहाल उनके ग्राउंड का रखा जाता है और जो बड़े स्कूल्स हैं उनके अंदर ग्राउंड की फैसिलिटी रखी जाती है, लेकिन जहां छोटे स्कूल्स हैं वहां ये मसाइल बहरहाल ग्राउंड की अपनी जगह तो मौजूद हैं। अगर उनके नज़दीक कोई ग्राउंड हुआ भी करते थे तो वो अब बिल्डिंगों में या इमारतों में तब्दील कर दिए गए हैं। तो ये हमारी कौम के साथ या हमारे उन बच्चों के साथ ये एक सानिया है कि ये, और लेकिन ये लेस प्रिविलेज एरियाज के अंदर इस तरह का फीस का भी खेल के नाम पर किसी फीस का ऐसा नोटिस कोई नहीं देता। ये नोटिस वही देते हैं जिनके यहाँ या तो हैं या वो बड़े स्कूल्स हैं जिन, और बड़े स्कूलों में कहूँ भाई हर जगह ये फैसिलिटीज। अच्छा आप कह रहे हैं कि खेलों के मैदान पर कब्जे, जी जी, तो यकीन तौर पर जब खेलों के मैदान पर कब्जा होगा तो सूबाई वज़ीर खेल भी होते हैं और तालीम के हवाले से सूबाई वज़ीर तालीम भी होते हैं और वो दोनों ही गवर्नमेंट के होते हैं, तो दोनों के पास जो रिपोर्टें तो होती है ना कि खेल के मैदान पर कब्जा हो रहा है, बिल्कुल सब क्या करें? अभी क्या हो रहा है, चाइना कटिंग हो रही है वो आपके इलम में, मैं भी जानता हूँ आप भी जानते हैं। और ये जो अभी मेरे साथी ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट सिर्फ फैसला दे देती है कि इनको गिरा दो, लेकिन इनको गिराने के बाद इनको बिठाना कहाँ पर है? गिरा तो दोगे, आखिर इसी माशरे का हिस्सा है। मुझे अच्छी तरह याद है कि ये रोड आपका लियारी एक्सप्रेसवे रोड बन रहा था और नेमतुल्ला खान एडवोकेट साहब ने इसके रास्ते में जो आए थे वो गिराए थे, लेकिन उनको एक बकायदा रीसेटलमेंट आबादी दी गई थी, वहाँ उनको आबाद किया गया था। लेकिन आज जुबली मार्केट हो या नस्ला टावर्स हो या अलादीन पार्क हो, उन लोगों को दरबदर कर दिया गया, उनकी दुकानों को मिसमार कर दिया। नस्ला टावर तो खड़े हो गए, स्टैंड किया उन्होंने, उनका हक बनता है। तो भाई किसी को गिराने से पहले उसके लिए वसाइल तो मुहैया करो यार, ये उसको खुले छत के नीचे, अभी ये जो नाले गुजर नाले के साथ लोगों को गिराया गया वो बेचारे चीख रहे, उसमें ऐसे मकानात भी गिरा दिए गए कि वो लीज़ क्यों किए गए थे? तो ये बहरहाल हमारी वो वज़ीर तालीम हो या वज़ीर सेहत हो या वज़ीर बल्दियात हो, कोई भी हो, उन सब को ये सारी चीज़ें उनके नॉलेज में होती हैं, बल्कि उन्हीं के ही करता धरता लोग ये काम कर रहे होते। अच्छा मकसूद कहा जाता है कि जब तमाम ताजिर रहनुमा हो या ताजिर बिरादरी हो, और कराची में तकरीबन कई बेशुमार मार्केट हैं और वो मसाइल के अंबार में दबी हुई हैं, टैक्स भी देते हो,
हाँ मार्केटों में सफाई सुथरा का कोई निज़ाम नज़र नहीं आ रहा, और आप लोग टैग भी देते हो, तो क्या बलदियाती इदारे से कोई इस मौजू पर गुफ्तगू होती है बाईस एक यूनियन? देखिए अब कराची वो कमाऊ पूत बेटा है जिसको वो खिलाता तो सबको है, लेकिन उसको खिलाने वाला कोई भी एक घर में मौजूद नहीं होता है। जब वो आता है तो वो सब के सब जो है सो चुके होते हैं। तो हमारे यहाँ इदारों का यही हाल है, हमारा काम है इन सबको पालना, लेकिन ये हमारे लिए क्या करेंगे जब इनकी इनका सोने का टाइम हो जाता है। मसाइल बल्दियात को तो आप छोड़ दें, जो अभी जदून साहब ने एक बात की है, मैं आपको सिंपल बात बताता हूँ, सुप्रीम कोर्ट 100% सब ख़त्म कर दे, चाइना कटिंग और सारे जितने मामला ख़राब हुए हैं नाले के वो सब ख़त्म कर दे। मेरा एक सवाल बनता है इधर, नए सिरे से जो भी प्लाटिंग हो, नए सिरे से जो भी तामीरात हो, सुप्रीम कोर्ट को लेटर के बगैर उसको इशू ना किया जाए, उसकी पूरी इंक्वायरी सुप्रीम कोर्ट करे, फिर उसको परमिशन दे बनाने की, मसाइल ख़त्म हो जाएंगे। मसाइल बन कहाँ से रहे, बनाने के बाद गिरा रहे हो, बनाने से पहले क्यों नहीं कर रहे हो ये काम? ये सब इदारों की मिली भगत होती है। इसी तरह हमारी जो मार्केटों के अंदर मसाइल हैं, कचरा बाहर होता है, डस्टबिन ज़रूर होता है, डस्टबिन के बाहर कचरा होता है, उसको कोई उठाने वाला नहीं होता। हम जिस रोड से गुजर रहे होते हैं, मैं आपको एक बात बताऊँ, कराची में इस वक्त जो टूटी सड़कों का हाल है, उसका टैक्स कौन देता? आवाम देती है, आवाम देती है ना, गाड़ियाँ भी आवाम की ख़राब हो रही हैं उन टैक्सों, वो सड़कों पर चल चल के जो हम उन मसाइल का सामना करें, वो सब आवाम पीसी जा रही है, लेकिन सर का दर्द नहीं है या उसका हुकूमत का। हुकूमत कहती है बस मुझे, मैं आराम से, मुझे टैक्स मिल रहा है कराची से 60 से 70% सिर्फ कराची का। सिंध गवर्नमेंट बोलती है कि सिंध देता है 70%, कहाँ से देते हो भाई, 55 करोड़ रुपये देते हो पूरे सिंध से, कराची देता है सारा। तो आप कराची के लिए क्या कर रहे हो यार? कराची के लिए कोई कुछ नहीं करता, आपके मसाइल वहीं के वहीं हैं। मैं वैसे के एक ताजिर आपको ये बात बताता हूँ कि हम लोग यूनियन फंड से जो अपने लिए करते हैं वही सब कुछ होता है। हमारे साथ इतनी बड़ी नाइंसाफ़ी होती है, बल्कि आपने तो मेरी मार्केट का दौरा भी किया हुआ है, माशाल्लाह कितनी दूध की नहरें बहती हैं आपको सब पता है, आप गुजर नहीं सकते। मतलब जस्ट बोल्डर मार्केट के बिल्कुल अपोजिट इतना बड़ा कचरे का ढेर नज़र नहीं आता, मीडिया को नज़र नहीं आता, इदारों को नज़र नहीं आता, लेकिन वो साफ़ नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, उसके लिए करे कौन? तो सर ये तो हम सिर्फ बातें करें। तो मकसूद साहब, आप लोग इतनी बड़ी ताकत हैं, तो एक यकजहती हो के तो आप लोग हुकूमत को टैक्स देना बंद कर दें, जब आप टैक्स देना बंद करेंगे तो आपके मसाइल खुद ब खुद होंगे, तो क्यों डर रहे आप? जी बिल्कुल ऐसा ही होगा, बहुत से लोगों ने ये बातें की थी लेकिन बाद में वो खामोश हो गए। तो कौन लोग थे, मतलब आपके अपने लोग होंगे? नहीं, हमारे अपने लोग थे, हम लोग ये सारी बातें कर सकते हैं, इस पर इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। आपको भी पता है कि ये सारी चीज़ें इतनी आसान नहीं होती, हमने बहुत बड़े बड़े दावे किए, अब हम थक गए, अब हम बिल्कुल साइलेंट होकर बैठ गए कि अब जो करना है करें, हम अब कुछ नहीं बोल रहे, अब हमें नोचना है और नोच लें, हम क्या कर सकते हैं। हमने एक ताजिर एक्शन कमेटी बना दी है कराची के अंदर, जिसको जमील भाई सर, अपना रिजवान भाई और सजील वगैरह ये लोग लीड कर रहे हैं, मसाइल जहाँ तक मुमकिन होते हल करा देते हैं, एक आवाज़ उठाते हैं, लेकिन कोई इम्प्लीमेंट हमने नहीं। अच्छा हनी भाई, अब हमारे प्रोग्राम का वक्त भी खत्म हो, तो क्या कहेंगे आप तालीम के हवाले से, क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं हुकूमत वक्त से अपील करता हूँ कि वो तालीम के लिए मुखलिस हो जाए, और अगर वो चाहती है कि पाकिस्तान तरक्की करे तो हम उनके साथ शाना बशाना चलने को तैयार हैं, लेकिन जिस तरीके से मतलब कोविड आता है या कोई और भी वबाई अमराज आइंदा भी आ सकती हैं, तो हमें उसमें अपने साथ लिया जाए और साथ लेकर मुश्तरका को फैसला किया जाए, ताकि बच्चों के मुस्तकबिल को तबाह होने से बचाया जाए। और अगर इसी तरीके से बच्चों के मुस्तकबिल के साथ खेलते रहेंगे तो कभी भी कामयाब नहीं हो सकते, और अब वो कौमें कभी तरक्की नहीं कर सकती जो अपनी ज़बान को भूल जाएँ। आज हमारा निज़ाम तालीम को गुड़ में से ऐसा कर दिया गया है कि इंग्लिश के बग़ैर ज़िंदा रहना मुमकिन ही नज़र नहीं आता। तुर्की में चले जाएँ तो उनकी तालीम उनके अपनी ज़बान में हुआ करती है, और आप अपने निसाब को उसी तौर पर बेहतर तरीके से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं जो आपकी अपनी ज़बान में। इस वक्त बच्चे को इंग्लिश मीडियम स्कूल तो बड़ा अच्छा लगता है, वालदैन को अच्छा लगता है, लेकिन जब वहाँ से निकल रहा होता है बच्चा, ना तीतर होता है ना बटेर होता है, और वो किस तरीके, जब वो निज़ाम को ख़ुद भी नहीं समझ सकेगा तो कैसे वो परवान चढ़ा सकेगा और कैसे वो बेहतर उस्ताद बन सकेगा। तो हम हुकूमत वक्त से यही अपील करते हैं कि हम उनके एक बेहतरीन स्टेक होल्डर्स
स्कॉलर्स हैं, हमें साथ रखा जाए और हमारे से मशवरा किया जाए और मशवरे के साथ हम इंशाल्लाह उनके साथ दामे दर में सफने जितना होगा हम तावन करने। हमारे साथ हनीफ जदून साहब मौजूद थे और इनका ताल्लुक तालीम से था और ये अलायंस ऑफ प्राइवेट स्कूल सिंध के जनरल सेक्रेटरी हैं और हमारे साथ दूसरे मेहमान मकबूल कुरैशी जिनका ताल्लुक तीन ताजिर इत्तेहाद के साबिक सेक्रेटरी से, और यकीनी तौर पर इन दोनों के ये अल्फाज है कि मुल्क की बेहतरी के लिए हुकूमत को सोचना होगा और तालीम के मेयार को बेहतर करने के लिए सूबाई वज़ीर तालीम को मैदान में उतरना होगा और प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन को भी चाहिए कि वह गरीबों की बच्चों पर फीस पर रहम करें। और ताजिर रहनुमा का भी यही कहना है कि जो लोग गर्मियों के दौरान चुके हैं उन्हें बिलासूद कर्जा फराम किया जाए ताकि वो अपना कर्जा उतार कर अपनी ज़िंदगी आसानी से गुजार चुके हैं। बाकी तो मसाइल से आपके मेज़बान रफ़ीक अंसारी को इजाज़त दीजिए, आइंदा नए मेहमान के साथ एक बार फिर हाजिर होंगे। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।